तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं जैसलमेर ऑफ बनारस में, और यहाँ पर देखिए ये गंगा का ही बालू है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम रेगिस्तान में पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पर ऊँट भी चल रहे हैं, कितना आश्चर्य, देखे ना, यहाँ पर पीछे है नदी और नदी किनारे बालू और बालू पर ऊँट भी चल रहा है। देखिए यहाँ पर ऊँट की सवारी करने के लिए भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। चलिए आगे चढ़ते हैं। जैसलमेर ऑफ बनारस। फाइनली हम लोग नाव पे बैठ चुके हैं और नाव हमारी जो है स्टार्ट हो गई है। देखिए वो तट से दूर जाते हुए आपको दिख रही होगी। नाव धीरे धीरे खिसक रही है नदी के उस तरफ। जो है ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी, आलू की कचौड़ियाँ बहुत फेमस है। चलते हैं, कोशिश करेंगे उस तरफ। नदी के उस पार जो आप बालू देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ी दूर में आपको नदी के जब हम बीच पे होंगे तो आपको दिख जाएगा। वहाँ पर जैसलमेर जैसा फील होने वाला है। वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत बड़ा मैदान है। समझ लो कि यहाँ से वो जो सामने दिख रहे हैं ना बाबा, पेड़ वगैरह दिख रही, सिविलाइजेशन दिख रही, वो कम से कम 4 किलोमीटर है। गंगा का यहाँ पे कर्व है। कर्व का मतलब है गंगा यहाँ पे उत्तर वाहिनी हो रही है, इस तरफ उत्तर है, इस तरफ पूर्व है। अच्छा, बनारस पश्चिम है। बनारस आकर यहाँ पर बोटिंग करना, बनारस में कई चीजें बहुत सारी है, मतलब की आपको मस्ट डू है, लिस्ट में आपकी होनी चाहिए, बकेट लिस्ट में। जैसे यहाँ का पान है, बनारस में कई तरह के पान मिलते हैं और बनारसी पान बहुत फेमस है। अमिताभ जी ने गाना भी बनाया है कि खाए के पान बनारस वाला। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जैसे आज ओकेशन है देव दिवाली का, और देव दिवाली बनारस में दिवाली 3 बार मनाई जाती है मोस्टली। एक बार दिवाली के दिन, एक बार एकादश को दिन, और उसके बाद आज देव दिवाली के दिन। आज जितने घाट दिख रहे हैं सब पे दिए सजेंगे, कम से कम 10 लाख से ज्यादा दिए, 10 लाख से ज्यादा दिए ना, 10 लाख दिए, 10 लाख दिए, और ये पूरे घाट रौनक हो जाएगी। मैं पिछले 7 साल से देव दिवाली देख रहा लगातार, और वाकई में स्वर्ग का अनुभूत है। अगर मतलब कि अब देव दिवाली मतलब देखना ही देखना है, ऐसा फेस्टिवल है ना। और उसके बाद में बाबा यहाँ से बहुत सारे घाट है, अलग अलग घाट है, जैसे केदार घाट है, और कहावत है कि जो अपनी घरवालियों से परेशान है वे एक बार नारद घाट पे नहा ले, उनका तलाक होना तय है, तलाक वाला घाट तलाक वाला घाट। और उसके बाद में हर एक घाट है, जैसे ग्वालियर घाट अलग है, रीवा घाट अलग है, तुलसी घाट अलग है, मान महल। कितने घाट होंगे बनारस में बाबा? बनारस में अब मान के चलो कि 100 के आसपास घाट है। हर एक घाट का अपना महत्व है ना। कुछ कुछ मुख्य मुख्य जो मेन मेन घाट है उनका नाम थोड़ा बता दो। जैसे सर एक फेमस है 80 घाट ना, ये 80 घाट है। ये जो घाट आप देख रहे हैं ये 80 घाट तरफ है, 80 घाट ठीक है। और उसके बाद में दशाश्वमेध घाट बहुत फेमस है, साउथ इंडियंस का टोला लगता है केदार घाट के आसपास में, साउथ इंडियन वहाँ पे खूब आते हैं। 80 घाट एक मतलब मान के चलो कि बहुत ही पॉपुलर हो चुका है विदेशियों के बीच में, और मोहल्ला 80 पिक्चर बनने के बाद में तो इंडियन आते हैं अपने धार्मिक मान्यता की वजह से, विदेशी क्यों आते हैं यहाँ पर? विदेशी कई कारणों से आते हैं। देखिए विदेशी आने का कारण सबसे पहला तो है कि यहाँ पे गांजा सर्वसुलभ है। अच्छा, गांजा। दूसरी चीज है कि भांग बूटी सारी चीजें बहुत फेमस है यहाँ पे, और बनारस एंशियंट सिटी है। जो 16 महाजनपद थे, अंग अवंती अस्मक काशी कुर कौशल कम्पोज मल्ल मत्स मगध वत्सवजी पंचाल सुरसेन गंधार चेद, 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत में, जिनमें एक था काशी। और कहते हैं कि राजा वानर ने इसे बसाया था, इसलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा बाद में। कुछ लोग कहते हैं, देखो भाई सामने से नाव आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि वरुड़ा और 80 नदियों के संगम की वजह से इसका नाम जो है वाराणसी पड़ा। और हम लोग ठेठ भाषा में हमेशा काशी ही कहते हैं, क्योंकि काशी ही ओरिजिनल नाम है, प्राचीन नाम है। बगल से एक नाव गुजर रही थी तो हालत खराब हो जाती है ना भाई, समझ रहे हैं आप, बीच में ऐसी जगह पे है जहाँ पे 50-60 मीटर गहराई हो ना, और बच्चों के साथ में हो तो चिंता होना लाजमी है। तो बाबा ये बनारस की कहानी है। बनारस पंचकोसी, यहाँ जो 5 कोस की चारों तरफ की जमीन है वो पहले बाउंड्री लाइन से घिरी हुई थी, जब काशी महाजनपद हुआ करता था। उसके अवशेष हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में, मान महल में भी वे दर्शाए गए हैं। और उसके बाद में जो है मतलब कि काशी बहुत ही प्राचीन शहर है, बहुत ही प्राचीन शहर है। बाबा वीडियो बंद करो, वीडियो बनाओ घाट का।
देखिए मेरे साथ है सूरज, कुछ बताएंगे यहाँ पर जैसलमेर जैसे यहाँ आकृति क्यों ऐसी बनी हुई है? बाबा हम इस समय रण ऑफ कच्छ नहीं है, जैसलमेर नहीं है, ये है जिला बनारस। देख रहे हैं पीछे तक, लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से ज्यादा की चौड़ाई में रेती फैली हुई है और बकायदा ऊंट भी चलते हैं ना। ऊंट चलते हैं, इसलिए कहां से लाए गए यहाँ पर? बाबा यही लोकल वाले हैं जो चलाते हैं रेगुलर ना। ये रात को ऊंट 24 नहीं, रात को नहीं चलते, रात को रेती के इस तरफ आने पे इनकाउंटर भी हो जाता है, कई घटनाएं हो चुकी है। हाँ जी, जो अपराधी वगैरह है वे रात को यहाँ पे छिपते हैं, रुकते हैं, जिसके लिए पुलिस बड़ी सतर्क रहती है। रात को गश्त लगती है कि रेती पे कोई है तो नहीं, लोग दारू पीते हैं। अभी मैंने बहुत सारे कचड़े देखे, बोतल देखी ना। तो बाबा इस तरह से है, दुनिया में अच्छे बुरे दोनों लोग हैं ना। तो रात को इस तरफ आना बहुत ही खतरनाक है, नहीं आना चाहिए, खतरनाक तो नहीं कह सकते, नहीं आना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। जब बाढ़ आती होगी तब डूब जाती होगी बाबा? जब बाढ़ आती है तो जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं इसके कम से कम 20 मीटर ऊपर तक पानी होता है। 20 मीटर ऊपर तक? हाँ, 10-20 मीटर ऊपर तक पानी होता है। तो यहाँ पर रेगिस्तान की कोई चीज़ नहीं, रेगिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और कहा जाता है कि इतने बाढ़ के पानी में भी घाटी उस तरफ के दो यादव बंधु थे, वे बीच सावन में यानी जब गंगा अपने रौद्र रूप में होती है तब वे इस नदी को तैर के पार करते थे, वे इतने बलिष्ठ थे, शक्तिशाली थे। बाबा ये सुबह सुबह देखने में नज़ारा और भी खूबसूरत लगता। गंगा इस पार का नज़ारा सबसे ज़्यादा खूबसूरत गर्मियों की सुबह में लगता है, जब बिल्कुल भी वो नहीं होता, मतलब फॉग नहीं होता, जैसे अभी है हल्का हल्का फॉग है, बिल्कुल नहीं होता, तो मतलब कि गर्मियों की सुबह में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरफ जो घाट है जब सुबह सुबह धूप निकलती है तो पूरा गोल्डन लगते हैं ना। अच्छा। और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप जितने भी तस्वीरें आपने देखी होगी बनारस की, चाहे इंटरनेट पे चाहे कहीं से भी, वे सारी गर्मियों में खींची गई हैं, ठीक है, मोस्टली गर्मियों में खींची गई हैं। और उस दौरान आसमान साफ होता है, नीला होता है, ऐसे गंदगी नहीं होती, प्रदूषण नहीं होता और बहुत ही खूबसूरत लगता है बनारस। ये बात मुझे बहुत गजब लगी यहाँ पर कि यहाँ पर एक रेगिस्तान बना, नदी के अंदर भी रेगिस्तान बन सकता है बाबा। गंगा बाबा भारत की अगर कह ले तो सबसे बड़ी नदी है अगर कहा जाए तो। 2550 मीटर लंबाई, किलोमीटर लंबाई है इसकी। और उसमें से ये जो इलाका है ना, यहाँ पे गंगा कर्व में घूमती है। जब कभी आप गूगल मैप में देखोगे तो यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी होती है, कर्व में घूमती है और गंगा हमेशा घाटों की तरफ से बहती है, ठीक है, घाटों की तरफ ज़्यादा गहराई है, इस तरफ रेती है इसलिए हमेशा इस तरफ खाली रहता है, लोग इस तरफ भी आते हैं, स्नान करते हैं। जैसे आज देखिए कितनी भीड़ है, कम से कम 10-20 हज़ार लोग स्नान करके चले गए होंगे सुबह, क्योंकि हमारे नौका वाले ने बताया कि बहुत भीड़ हो रखी थी। इस पर नदी के उस पर उधर के गांव है, इस तरफ बहुत सारे गांव हैं जहां से सारी चीजें आती हैं ना। तो बनारस में शहर उस पर खत्म हो जाता है? नहीं, शहर इसी तरफ खत्म हो जाता है, इस तरफ आपका मुगल सराय पड़ता है। जिस तरफ मुगल नदी उस पर मुगल सराय जी। और दूसरी चीज है कि इस तरफ गाँव है, मतलब रूरल एरिया है, इस तरफ अर्बन एरिया है, सिटी लाइफ है, ठीक है। बंद करो यार, बहुत हो गया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये जैसलमेर बनारस, मुझे वीडियो का कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं बनारस का पान आपको दिखाऊंगा। चलिए तब तक इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।